मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही वो जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने नीचे जंप लगाई थी घोड़े के साथ। इतनी लंबी जंप है, लगभग 30 से 40 फीट तो यहां से खड़ी है। और ये उस समय की बंदूक जिसे रखा गया है यहां पर 1857 क्रांति की। तो गोला इसके अंदर अभी भी फंसा हुआ है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने फिर पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने फिर ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम आए हैं ये है 1857 की क्रांति का मुख्य खेल। यहाँ पे ही रहती थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों आ पहुंचा हूं मैं रानी लक्ष्मीबाई की धर्मभूमि कर्मभूमि झांसी। वेलकम इन झांसी। दोस्तों झांसी बहुत बड़ा शहर है, झांसी आना बहुत आसान है। आप यहाँ पे ट्रेन से, बस से, अपनी गाड़ी से बहुत आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने को, खासकर यहाँ का किला, यहाँ का फोर्ट, यहाँ का संग्रहालय, बहुत कुछ है झांसी में। झांसी के पास ही है श्री राम राजा का मंदिर, ओरछा पे स्टे की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे होटल यहाँ पे, धर्मशाला आश्रम है। और मैं इस वक्त हूँ देखिए झांसी के स्टेशन पे, जिसका नाम अभी 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 बदला गया है, जिसका नाम करा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। तो देखिए नाम ही कितना आपको प्राउड फील करेगा अपने इतिहास पे। अब झांसी के ब्लॉक की स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं लेके जाऊंगा आपको किले की तरफ। बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे। तो झांसी जो कि वीरता के लिए जाना जाता है, तो सब यहाँ पे अंदर मिलेगा ऐतिहासिक, उस पूरे इतिहास को हम जानते हैं। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से जब टिकट मिलता है तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर में आ चुका है, जिसमें भारत की भारतीय को देने हैं 25 रुपये और विदेशी को देने हैं लगभग 300 रुपये। तो ये है टिकट काउंटर और यही है मुख्य एंट्रेंस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ज़मीन पर आने में, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है वो जुड़ा है हमारी आज़ादी से, किस तरीके से अंग्रेज़ों से लोहा लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे भारत की एक ऐसी वीरांगना के। जब भी आप कभी भी वीरता की बात करोगे, जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम जरूर आता है। तो ये ले लिया टिकट, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो उनकी वीरता के हर तरफ यहाँ पे प्रमाण मिलेंगे। पहला मेरे लिए एक्सपीरियंस है महल का, तो कई बातें ऐसे, कई पॉइंट है जो मुझसे छूट जाएंगे, तो हमने यहाँ पे लोकल गाइड को हायर कर लिया है। सर आपका नाम क्या है? रवि। तो चलिए रवि जी शुरुआत करते हैं। लाने अभी बहुत फनी मोमेंट हुआ है, मैंने कहा था यूट्यूब वीडियो बनानी है तो उसे इतनी शर्म आ रही है वीडियो में, तो कह रहा सर मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, ऐसे ऐसे ही लोग हैं। पर आप देखिए जो शुरुआत हम जब करते हैं, तो ये देखिए जरा आप ये लोहे की तोप का साइज देखिए, जिसका नाम है कड़क बिजली तोप। तो इस तोप के बारे में जानते हैं। और वाकई ये देखिए कितनी बड़ी ये तोप है। कहा जाता है कि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी तोप है, पहली तोप आमेर में है और ये तोप के बारे में है। फिर मैं आपको तोप दिखाता हूँ, इसका नाम है कड़क बिजली तोप। तो देखिए आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं इसके बारे में। गुलाम गौस खां द्वारा संचालित ये तोप शत्रुओं को आतंकित करती है। जब ये मैं कड़क बिजली तोप की बात कर रहा हूँ, तो गोला इसके अंदर अभी भी फंसा हुआ है। और देखिए सिंह नुमा है यहाँ पे, ये पूरी लोहे की इस तरीके से मिलेगी आपको देखने में। पड़ गई थी है। तो ऐसी चीज को जानने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जब ये फील होती है ये, क्योंकि देशभक्ति से ओतप्रोत ये ऐसे स्थान होते हैं। और ब्यूटीफुल यहाँ से पूरा फोर्ट का नजारा आपको मिलेगा देखने को। तो मौसम बिल्कुल आज के हिसाब से वीडियो बनाने के से अनुकूल है। मैं डर रहा था कि यार कहीं धूप वगैरह ना हो जाए। हम पहले एंट्रेंस में जा रहे हैं अंदर। इसके लिए की एक विशेषता ये भी है, ये काफी साफ सुथरा हाइजेनिक मुझे दिख रहा है। और जब अंदर हम आए हैं तो ये गणेश टेम्पल है, देखिए यहाँ पे लिखा है। तो गणेश मंदिर है ये, परंपरागत मराठा शैली का।
तो ये मराठा शैली में बना हुआ है। आपको पता है कि जो झांसी की रानी थी वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। देखिए जो आपको ये गेट दिख रहा है, ये मैंने भी और वीडियो में दिखा है इस गेट की, पहले तो आप ये मोटाई देखिए कितनी ज्यादा है। ये उस टाइम के गेट है और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इसे जलाया था, तोड़ा था जब इस किले पे आक्रमण किया था अंग्रेजों ने, तब इस गेट को तोड़ा गया था। और जो आप इसमें ऊपर ये कांटे देख रहे हैं ना, ये इसलिए लगाए जाते थे उस वक्त के जब हाथी से इसको तोड़ने की कोशिश की जाए तो हाथी की सूंड में चुभे। ये समय का आर्किटेक्चर आपको ये देखने को मिल रहा है। सच में इतना मोटा गेट देखिए आप, लकड़ी का कितना हैवी गेट है। जो इतिहास में पहले होता था वो अब यहाँ पे आपको अभी भी देखने को मिलेगा। बारादरी पे हम पहुंचे हैं जो, और ये उस टाइम का आप एक तरीके से बोल सकते हैं मंच बोल सकते हैं आप इसे, स्टेज बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें मंचन के कार्य होते होंगे, जिसे नाटक की और संगीत की बहुत रुचि थी। देखिए जगह में ना एक अलग सी वाइब्स है, जो पुराने हम जब भी ऐसी स्मारकों पे जाते हैं और खासकर ऐसी स्मारक में, वैसे भी झांसी का किला सबसे बड़ा किला माना जाता है, सबसे ऊँचा किला माना जाता है। बहुत ही तरीके से इसे बनाया गया था, पूरी तरीके से युद्ध को ध्यान में रखते हुए, शत्रुओं के आक्रमण को बचाने के लिए इसका किले को निर्माण किया गया था। आपको दिखा चुका हूँ, ऊपर है भवानी शंकर तोप जिसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। बाहर एक तोप दिखाई थी हमने, कड़क तोप, अब दूसरी तोप हम ऊपर लेके चलते हैं। चलिए, ये मेरी मौसी की लड़की है पूनम, और ये प्योर बुंदेली लड़की है, बुंदेलखंड की, अच्छी से लगे बोलते हैं, इससे बुलवा के देखिए। चलो ये दूसरी तोप ये है, और ये भी देखिए कितनी बड़ी तोप है। नीचे जो तोप का मुंह था वो था सिंह का मुंह यानी शेर का, ये तोप है इसमें बनाया हाथी, तो ये हाथी वाली तोप है। और यकीन मानिए कितनी ह्यूज है, कितनी बड़ी तोप है। पहले के टाइम पे ये रखी जाती थी तोपे, और दुश्मन आता था जैसे सामने से तो उसका होता था अटैक। ये इसका मुंह है, तो ऐसी धरोहरें हमें मिलती हैं। किले के मुख्य भाग यानी अंदर है ना पूनम, क्या है ये? ऊपर जाने के लिए महल। ओके पूनम, वेरी नॉलेजेबल लड़की। जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम की मशीन गन है, जो मेड इन जर्मन हुआ करती थी, और ये लगाई थी अंग्रेजों ने जब अंग्रेजों का इस किले पे कब्जा हो गया था। किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो जवान तैनात होते थे वो मेड इन जर्मन है। ये सोचिए 1857 से पहले की ये बात है, और उसके बाद और कितनी पुरानी, और आज भी ये लगी हुई पूरी तरीके से लोहे की। चलिए अब आगे चलते हैं। आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई के जो राइट हैंड थे वो थे गुलाम गौस खां। जो गौस खां थे उनकी ये कब्र है, यहाँ पे वो शहीद हो गए थे किले को बचाते बचाते, कब्र यहीं पे उन्हें दफनाया गया था। अब पहुँच गए हम किले के एक महत्वपूर्ण जगह पे, चली आइए, जिसका नाम है पंचमहल। मूलतः ये पंचतलीय भवन है, पंचतलीय मतलब पाँच मंजिल का ये भवन है, जिसे राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित किया है। मैंने जो आपसे बात करी थी ना ओरछा के राजा, वो यही थे वीर सिंह जुदेव, जो ओरछा के राजा थे जिन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। रानी लक्ष्मीबाई यहीं पे जो फर्स्ट मंजिल है उसी पे यहाँ पे रहती थी। ये ऊपर का जो भाग है वो ब्रिटिश शासन ने जब यहाँ पे कब्जा किया था उसके बाद बनवाया था। चलिए अब चलते हैं हम पंचमहल के अंदर। आइए, पंचमहल वो है ये तो किलो की है कि हमें सिर झुका के जाना पड़ता था, आपने देखा होगा हर हिस्टोरिक प्लेस में होता है। और ये देखिए यहाँ पे रानी ठहरती थी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर रुकती थी उस टाइम पर, ये उनका निवास स्थान था। और बहुत ही ठंड का एहसास हो रहा है यहाँ पे, इतनी गर्मी के बाद भी ये चीज ठंड थी, इसे इस तरीके से बनाया गया था। दोस्तों देखिए यहाँ से जो इनके सिपाही होते थे यहाँ से पूरे झांसी पे नजर रखते थे। देखिए जिस तरीके से झांसी लग रहा है इतना खूबसूरत, यहाँ पे ही वो रखते थे, और ये अंग्रेजों ने बनाई थी। यहाँ से क्या होता था कि ये लोग जो बोलते नहीं छुपके से जो अटैक करते थे
तो सामने वाले के वार से बचते थे और यहाँ से ये लोग अपने गन से वार लगाते थे सामने से। तो ये बाद में, पहले तो ये वाला हिस्सा था जिसे अंग्रेजों ने ऐसे लोहे का एक गेट बना दिया गया था। और कितना खूबसूरत यहाँ से अब दृश्य देखने को मिलता है झांसी का। और अब हम जा रहे हैं किले की सबसे ऊंचे पॉइंट पे, और आप देख सकते हैं जिसे देख के हर भारतीय को गर्व होगा, अपना तिरंगा जो एक टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिश का झंडा लग गया था। बुंदेलखंड की सबसे मशहूर जो लाइन है, पंक्ति है, जो रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोली गई थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की वो जगह पे जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने जंप मारी थी अपने घोड़े के साथ, और यहाँ से वो कूदी थी जब उन पे एक अचानक से आक्रमण हुआ था, और वो झांसी को बचाने के लिए जब मदद लेने जा रही थी खासकर ग्वालियर में, तब वो कहाँ से कूदी थी, अब वो पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। यही वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने नीचे जंप लगाई थी घोड़े के साथ। कितनी गहराई है देखिए, पर उस वक्त भी घोड़े के साथ वो ने जंप मारी थी। मदद लेने यहाँ से गई थी सिंधिया परिवार के पास, जो सिंधिया रियासत थी उस टाइम ग्वालियर में, जहाँ पे उन्हें मदद देने से मना किया कर दिया था, मतलब एक तरीके से धोखा दे दिया गया था यहीं पे। तो देखिए आप एक बार जगह, कितनी लंबी जंप है, लगभग 30 से 40 फीट तो यहाँ से खड़ी है, और उस वक्त जंप मार के रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को बचाया था क्योंकि उन पर अचानक से आक्रमण हुआ था अंग्रेजों का। ये है झांसी का सबसे ऊंचा पॉइंट, आप बोल सकते हैं सबसे ऊंचा बिंदु, और किले का सबसे ऊंचा भाग जहाँ पे लगा हुआ है हमारे देश का सिर के साथ यहाँ पे फहरा रहा है। और यहाँ से दिखने वाला पूरे झांसी का खूबसूरत व्यू देखिए, पूरा झांसी यहाँ से देख सकते हैं। और उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई भी इस छत पे आके पूरे झांसी पे नज़र रख सकती थी रानी लक्ष्मीबाई, और तीनों दिशाओं का यहाँ पे दिख रहा है। अब आ गए हम अमोद बाग जो आ गया, और फांसीघर जो फांसीघर दी जाती थी जिसको बंद कराया था रानी लक्ष्मीबाई ने। तो ये उस टाइम पे फांसीघर था, यानी हैंगिंग टावर, जो कि मंदिर के पास था, और यहीं पे मंदिर था शंकर जी का। तो यहाँ पे जब रानी जी जब शादीगढ़ के आए, उन्होंने देखा कि यहीं पे मुलजिमों को फांसी दी जाती है, तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पे देखा कि फांसी दी गई है तो वो बेहोश हो गई थी, तो इसको उन्होंने बंद कराया था। उसके बाद झांसी किले में किसी को भी फांसी दी नहीं गई थी, ये रानी लक्ष्मीबाई ने बंद कराई। बाद में देखिए दीवार से बंद कर दिया गया था। और यही पे शंकर जी का मंदिर जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई उस टाइम पूजा करने आती थी। ये देखिए कितना छोटा छोटा सा आप गैप देख रहे हैं, यहाँ पे सैनिकों को खड़ा किया जाता था। सैनिक अपनी बंदूकों के साथ खड़े होते थे और नजर भी रखते थे, यहीं से बचाव करते थे और अटैक भी करते थे। देखिए सामने, और ये था उस टाइम किले का कैद खाना, यहीं पर रखा जाता था कैदियों को, जो अब बंद कर दिया गया है देखिए। और यहाँ पे रखा जाता था कैदियों को उस वक्त, तो ये कैद खाना है किले का जो बंद है। दोस्तों किले के बाद दूसरी जो आप झांसी में जगह देख सकते हैं वो देख सकते हैं यहाँ का म्यूजियम, जो बहुत ही अच्छा है म्यूजियम। अब अंदर चलते हैं, तो म्यूजियम किले के बिल्कुल ठीक सामने वाली रोड पे ही है ये म्यूजियम के अंदर। देखिए इस तरीके से अंग्रेजों के साथ युद्ध को दर्शाया गया है, ये रानी लक्ष्मीबाई। उनकी मेमोरी को दर्शाया गया है, और ये रानी लक्ष्मीबाई की बिल्कुल एग्जैक्ट बताई जाती है, उन्हीं की फ़ोटो है जो असली रानी लक्ष्मीबाई की, लिखा भी है इसमें। और ये झांसी महाराज गंगाधर राव, ये रियल है ना, तो ये रियल देखिए श्रृंगार के साथ इसमें लिखा भी है द रानी ऑफ झांसी, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का। तो यहाँ के एक अलग आपको एक अलग ही प्राउड होगा, एक ऐसी वाइब्स मिलेगी कि मतलब आपको गर्व होगा अपने भारतीय होने पे। ऐतिहासिक बात जो महारानी लक्ष्मीबाई ने कही थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं युद्ध लड़ूंगी। और ये रानी लक्ष्मीबाई का फ्लैग था जिसमें हनुमान जी आप देख सकते हैं, और जो उस समय के प्रयोग किए गए शस्त्र थे वो यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है ढाल तलवार।
जो रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति जवाहर सिंह की तलवार है और उनकी खड़क, उनकी ढाल और तलवार, ये उस समय के तीर कमान, धनुष, तरकस और बाण। तो आप झांसी आए तो यहाँ पे ज़रूर आए, बहुत अच्छा यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है और बहुत कुछ जानने को आपको यहाँ पे मिलेगा 57 क्रांति में क्या क्या हुआ। और ये उस समय की बंदूक जिसे रखा गया है यहाँ पर 1857 क्रांति की, असली और रियल बंदूकें हैं ये उसी वक्त की। और ये होती थी उस समय की गोलियाँ और ये थी बंदूक जो अंग्रेज जिसका प्रयोग करते थे। ये हाथ की तोप होती थी, तोप का गोला साथ में, तोप चलाने में प्रयोग की जाने वाली बत्तियाँ, ये बत्तियाँ थी जो जिसमें तोप को चलाया जाता था, तो जो बत्तियाँ लगती थी वो। और दोस्तों यहाँ पे म्यूज़ियम के जो फिफ्थ गैलरी है, फिफ्थ गैलरी में सारे गोल्ड कॉइन, जो असली गोल्ड कॉइन है मुगल के वक्त के, वो आपको दिख सकते हैं। जहांगीर के गोल्ड कॉइन, उसके नीचे फारूक सियार के गोल्ड कॉइन और सबसे नीचे मोहम्मद शाह के गोल्ड कॉइन जो चलते थे उस वक्त, असली सोने के सिक्के हैं ये। और मुग़ल एवं मुग़लों के बाद के सिक्के, जो मुग़ल का जब शासन चला गया था तो उसके बाद के सिक्के इस तरीके थे, हुमायूं के वक्त के, अकबर के, और नीचे उसके बारे में पूरा लिखा गया है जिसे आप आराम से पढ़े जब आप यहाँ पे आए। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड सारी आपको मिलेंगी खूबसूरत खूबसूरत आकृतियाँ, बनाई गई पेंटिंग्स। यहाँ पे उनके बाल काल को दिखाया गया है, किस तरीके से उन्होंने सीखा था सर। और यहाँ पे जब उनकी शादी हुई थी राजा के साथ उसको दिखाया गया है, और बहुत प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। अपनी फैमिली के साथ जरूर आए, मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी फैमिली के साथ आए और जाने अपने भारत का जो आज़ादी का इतिहास रहा है उसको जाने किस तरीके का है, तो बहुत अच्छी प्लेस है। तो आइए ज़रूर और देखिए इसको एक बार। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय बुंदेलखंड, नमस्कार।